दोस्तों जब भी हम कोई शेयर को परचेज करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर जो है हमको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर जो शेयर हम परचेज कर रहे हैं उस शेयर के जो प्रमोटर्स हैं आखिर उन्होंने जो है इसकी कितनी होल्डिंग कर रखी है, मतलब उस शेयर की कितनी होल्डिंग उनके पास पड़े हुए हैं। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि आखिर जो प्रमोटर्स हैं उनको उस कंपनी के ऊपर कितना विश्वास है। आज हम इसके ऊपर यही बात करेंगे कि किसी कंपनी के जो है हम प्रमोटर्स को कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जो है मैं यहाँ पर आपको अपने ग्रो ऐप में ले चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं अपने ग्रो ऐप में आपको ले आऊँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हम ये इसी का देख लेते हैं, IRFC का। इसको दोस्तों जैसे यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको ऐसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ फंडामेंटल्स देख सकते हैं आप इसके, और इसको ऐसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, शेयर होल्डिंग। दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्रमोटर्स, देखिए यहाँ पर जो है आपको ये पहला ऑप्शन मिल जाएगा प्रमोटर्स का, मतलब ये जो प्रमोटर्स है इस कंपनी के उन्होंने अभी इसके जो कंपनी के शेयर है उसको 86.36% जो है अभी अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं। उसके बाद जो रिटेलर जो आम जनता है उनके पास जो है इसके 11.45 शेयर्स हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ के जो है यहाँ से 1.11% जो है यहाँ पर शेयर्स हैं। मतलब दोस्तों इस तरीके से म्यूचुअल फंड का पैसा जो है इसमें 0.55% लगा हुआ है, और अदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का जो है यहाँ 0.53% जो है यहाँ पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे ये प्रमोटर्स का यहाँ पर इतने ज़्यादा इन्होंने होल्डिंग कर रखी है, तो इसका मतलब है ये कि इस कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उनको इस कंपनी के ऊपर बिलीव है कि ये कंपनी आगे चल के जो है अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करने से पहले जो है उसके प्रमोटर्स के बारे में ज़रूर सोचें, ताकि आपको आगे चल के उस शेयर से अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो भी शेयर लेना चाहते हैं उस शेयर का जो है प्रमोटर होल्डिंग तो जो है शेयर होल्डिंग को जो है ज़रूर देखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन मिलती रहती है। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।